दोस्तों लैपटॉप इज अ लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट। जब भी आप एक लैपटॉप बाय करते हो तो आप ये कोशिश करते हो कि वो लैपटॉप कम से कम 4-5 साल आपके पास चलना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आप अगर लैपटॉप बाय करना चाहते हो 3-4 साल मिनिमम आप उसको यूज करना चाहते हो। अगर आप वर्क करते हो तो आप 5 साल से ज्यादा अपना लैपटॉप यूज करना चाहते हो। ये फैक्चुअली करेक्ट है और ये बहुत लोगों से मैंने बात की, उसके बाद ही ये बात जो है मेरे सामने आई है। मैंने खुद ये लैपटॉप परचेज किया है। अब इसमें मैंने 85,000 रुपीज इन्वेस्ट किया। अब 85,000 रुपीज की जो इन्वेस्टमेंट है, क्या मैं सोचूंगा कि क्या मैं अगले साल एक नया लैपटॉप ले लूंगा? नहीं। ये जो 85,000 रुपीज मैंने इन्वेस्ट किया, ये मैंने सोचा कि एटलीस्ट ये 4 साल मुझे अच्छे से वर्क में, फ्लो में मेरा साथ देगा, उसके बाद फिर इसको अपग्रेड करने का सोचेंगे। तो हमेशा अपग्रेड की बारी आती है और हमेशा हम ये कोशिश करते हैं कि एक अच्छा सा लैपटॉप हमें मिले, क्योंकि लैपटॉप एक इन्वेस्टमेंट होता है। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हो तो आप चाहते हो कि आप अच्छे से पढ़ाई कर सको, दैट इज़ अ इन्वेस्टमेंट। और अगर आप वर्क करते हो और अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हो तो वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह है, क्योंकि आप उससे पैसे कमाओगे। अगर मैं स्मार्टफोन की बात करूँ तो स्मार्टफोन्स आर मोस्ट ऑफ द टाइम अ लायबिलिटी। ये आपको बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करते। जैसे मान लीजिए मैंने ये 17,000 रुपीज़ का लिया है, लेकिन जो मेरा काम है वो 10,000 के मोबाइल में भी चल जाना चाहिए, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो 7,000 रुपये मैंने ज़्यादा लगाए। बट जब हम लैपटॉप लेते हैं तो उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई थी, इसमें मैंने बताया था कि लैपटॉप लेने से पहले आपको किन 5-6 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने वो वीडियो बनाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद लोग ध्यान नहीं दे पाते, आप उतना समय नहीं निकाल पाते उतनी रिसर्च करने के लिए। इसीलिए मैं ऐसी वीडियोस लेके आता हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके और आपको कहीं और भाग दौड़ ना करना पड़े, आप आराम से अपने यूज़ के लिए बेस्ट प्रोडक्ट ले सको। दोस्तों इस वीडियो में आप लास्ट तक बन रहे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बजट लैपटॉप्स 30,000 से लेकर के 35,000 के बीच में 5 बेस्ट लैपटॉप्स मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हर लैपटॉप के बारे में डिटेल में मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो गीकी शुभ चैनल को। लेट स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ 30-35 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार हर बजट की लैपटॉप्स की, और इन वीडियोस को बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत ढूंढना पड़ता है कि कौन सा लैपटॉप जो है वो आपके लिए बेहतर होगा। कभी कभी लिस्ट में कुछ लैपटॉप्स रिपीट हो जाते हैं, कभी कभी नए नए लैपटॉप्स जो है वो हमारी लिस्ट में जुड़ जाते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी भी टाइम ये वीडियो पसंद आ जाएगी, वीडियो को देखते टाइम कभी भी आपको ये वीडियो पसंद आ गई, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब करना कंसीडर जरूर करिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने लिस्ट के सबसे पहले लैपटॉप की। जो मेरी लिस्ट का सबसे पहला लैपटॉप है वो है लेनोवो का आइडिया पैड S145। अगर इस लैपटॉप की स्पेक्स की बात की जाए तो प्रोसेसर आपको AMD Ryzen 3 3200U का मिलता है, GPU मिलता है AMD Radeon Vega 3 ग्राफिक्स, रैम मिलता है आपको 4GB DDR4, स्टोरेज मिलता है 1TB HDD, डिस्प्ले मिलता है आपको 15.6 इंचेस का। अगर इस लैपटॉप की वेट की बात की जाए तो 1.85 kg का इसका वेट है। विंडोज 10 पे ये बेस्ड है। 29,990 रुपीज इसका प्राइस है, यानी 30,000 में ये आपको पड़ जाता है। तो अगर आप लेनोवो का लैपटॉप बाय करना चाहते हो तो आप उसे बाय कर सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने लिस्ट के सेकंड नंबर के लैपटॉप। जो हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर का लैपटॉप है वो है अविता का पूरा। अभी जो अविता का लैपटॉप है ये पहली बार मैंने अपने लिस्ट में इंक्लूड किया है, क्योंकि रिसर्च के टाइम जब मैं रिसर्च कर रहा था, लैपटॉप ढूंढ रहा था, तो मुझे ये लैपटॉप के रिव्यूज, ये लैपटॉप का जो फीडबैक है बहुत ही अच्छा मिला, तो मैंने कहा क्यों ना इसे इंक्लूड करते हैं। तो अविता का पूरा लैपटॉप है। अगर इस लैपटॉप की प्राइसिंग की बात करो तो ये 34,490 रुपये का आपको पड़ता है, यानी 35,000 के आसपास आपको पड़ता है। अगर इसके अदर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो, अगर दोस्तों इसके प्रोसेसर की बात की जाए तो AMD Ryzen 3 3200U आपको पड़ता है, GPU आपको AMD Radeon Vega 3 ग्राफिक्स मिलता है, रैम आपको 8GB DDR4, स्टोरेज आपको 256GB SSD मिलती है, डिस्प्ले आपको 14 इंचेस का मिलता है, वेट 1.34 kg का मिलता है, विंडोज 10 पे ये बेस्ड है। 34,490 रुपये मैंने आपको इसकी प्राइसिंग बताई, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है, कम हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 35,000 के आसपास ही ये रहता है। तो आप चाहो तो नीचे लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, क्लिक करिए, चेक करिए, मन हो पसंद आ जाए तो बाय कर सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने लिस्ट के थर्ड नंबर के लैपटॉप की, जो है ASUS का Vivo Book 14 2020 वर्जन। जो 2020 वर्जन था ASUS का Vivo Book 14, वो बहुत ही अच्छा निकल के आया था और उसकी जो फीडबैक थी वो बहुत अच्छी थी। और ASUS बहुत ही अमेजिंग लैपटॉप्स बनाता है। मैंने ASUS का ZenBook Duo बाय किया हुआ है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ASUS की जो बिल्ड क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और अगर बिल्ड क्वालिटी के साथ अच्छे स्पेक्स मिल जाएँ, इट्स अ थम्स अप एंड अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस।
अब बात कर लेते हैं Asus VivoBook 14 के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अगर दोस्तों इसके प्रोसेसर की बात की जाए, इंटेल का कोर i3 10th जनरेशन मिलता है, इंटेल का अल्ट्रा HD ग्राफिक्स आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। GPU के तौर पे रैम आपको 4GB DDR4 मिलता है, स्टोरेज आपको 1TB की मिलती है, HDD डिस्प्ले आपको 14 इंचेस का मिलता है, वेट आपको 1.6 kg का मिलता है। विंडोज 10 पे ये बेस्ड है। अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो 32,990 रुपए यानी 33,000 रुपीज का आपको ये देखने को मिलता है। और दोस्तों Asus का VivoBook 14 एक अच्छा लैपटॉप है, लाइट एंड अमेजिंग। तो ये जो 30,000 से 35,000 के बीच में जो मैं आपको लैपटॉप्स बता रहा हूँ, ये सब लाइट हैं और फ्लाइट हैं, यानी लाइट और अमेजिंग लैपटॉप्स हैं, जो कि आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस भी देंगे और हल्के हैं, मतलब 1.5 किलो 2 किलो के ये लैपटॉप्स आपको पड़ जाएंगे, 2 किलो से अंदर ही पड़ जाएंगे। और एक और खासियत आपको मिलती है 30,000 से 35,000 के बीच में, स्टूडेंट हो या आप वर्क करना चाहते हो, दोनों के लिए ही ये लैपटॉप जो हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। हाँ, ये है कि आप इसमें एडिटिंग नहीं कर पाओगे, आप इसमें वीडियोज़ को भरी बड़ी बड़ी वीडियोज़ को एडिट नहीं कर पाओगे, और आप इसमें कोई हैवी यूसेज वाला वर्क नहीं कर पाओगे। जैसे गेम अगर आप खेलते हो, गेमर हो, तो आप कोई हैवी गेम नहीं कर पाओगे, लेकिन वर्क और स्टडीज़ के लिए 30,000 से 35,000 का रेंज बहुत ही अच्छा होता है, आराम से आप इसे बाय कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं अपने लिस्ट के फोर्थ नंबर के लैपटॉप की। जो लिस्ट का फोर्थ नंबर के लैपटॉप है वो है HP 15 थिन एंड लाइट। अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें दोस्तों, इसके अंदर आपको मिल जाता है AMD Ryzen 3 3250 का आपको प्रोसेसर मिलता है, GPU आपको AMD Radeon Vega 3 ग्राफिक्स मिलता है, रैम आपको 4GB DDR4 पड़ जाता है, स्टोरेज आपको मिलता है 1TB HDD, डिस्प्ले आपको मिलता है 15.6 इंचेस का, वेट की अगर बात करें तो वेट आपको मिल जाता है 1.74 kgs। विंडोज 10 पे ये बेस्ड है, और इसकी प्राइसिंग की बात करें 33,499 का ये आपको पड़ता है, यानी 33,500 का आपको ये देखने को पड़ जाता है HP का 15 थिन एंड लाइट। तो अगर आप बाय करना चाहते हो, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जस्ट गो एंड चेक इट आउट, एंड इफ यू वांट यू कैन बाय इट। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने लिस्ट के फिफ्थ नंबर के लैपटॉप की, जो कि हमारे लिस्ट का आखिरी लैपटॉप है 30,000 से 35,000 के बीच में। मैंने आपको 4 लैपटॉप ऑलरेडी बता दिए, पांचवा बताने वाला हूं, और इनमें से अगर आप कोई भी लैपटॉप बाय करना चाहते हो, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए वहां पे क्लिक करिए, आप चेकआउट करिए कि आपको कौन सा लैपटॉप जो है वो पसंद आ रहा है, उसके हिसाब से आप अपना लैपटॉप चुन लीजिए। ये 5 जो लैपटॉप्स मैंने आपको इस वीडियो में बताने हैं, ये 5ों लैपटॉप्स 30,000 से 35,000 के बीच में बेस्ट लैपटॉप्स हैं। अब बात कर लेते हैं अपनी लिस्ट के आखिरी लैपटॉप की, जो कि है Acer का Aspire 3। दोस्तों अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है इंटेल का कोर i3 10 जनरेशन, GPU इसके अंदर आपको इंटेल का अल्ट्रा HD देखने को मिल जाता है, यानी इनबिल्ट ग्राफिक्स आपको देखने को मिलता है, रैम आपको 4GB DDR4 देखने को मिलता है, स्टोरेज आपको 1TB HDD देखने को मिलता है, डिस्प्ले आपको 15.6 इंचेस का मिलता है, वेट आपको 1.9 kgs का पड़ता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो विंडोज का 10 आपको देखने को मिलता है बेस सिस्टम, और अगर इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो 32,990 यानी 33,000 रुपए का ये आपको ऑनलाइन पड़ जाता है Acer का Aspire 3। दोस्तों ये थे टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप्स इन द रेंज ऑफ 30,000 to 35,000, यानी 30,000 से 35,000 का जो क्रंच बजट रेंज है उसमें मैंने आपको 5 बेस्ट लैपटॉप्स बता दिए हैं, तो आपको कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। अगर आप SSD वाला लैपटॉप चाहते हो जिसमें SSD हो, फास्ट बूट और फास्ट प्रोसेस हो, तो आप बाय कर सकते हो अविता का पूरा लैपटॉप, अदरवाइज आप बाकी 5-4 लैपटॉप से कोई भी चुन सकते हो। 30,000 से 35,000 में ये जो लिस्ट है वो टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप्स की लिस्ट है इन द रेंज ऑफ 30,000 to 35,000 रुपीज। दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, ये थी वीडियो आपको जानकारी देने के लिए बेस्ट लैपटॉप्स इन द रेंज ऑफ 30,000 to 35,000 रुपीज। अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आ गई होगी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले मिलते रहें, और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे इस वीडियो के बारे में। धन्यवाद।